आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे को नए ब्लॉग में। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं GW 513 गेहूं, जिसमें कि हमने नवंबर में सोइंग करके रखी है। अगर यहाँ की बात करें तो इस वाले प्लाट में हमने 1 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से सीड रेट डाला है। उसके साथ में इसकी अगर सोइंग की बात करें तो ये है 6 नवंबर का। उसके साथ में हमारा सिंगल सोइंग जो कि 30 kg प्रति एकड़ के हिसाब से डला हुआ है। इसकी अगर बात करें तो ये है 9 नवंबर का। तो ये जो 2 प्लाट हैं इनके बारे में आज हम बात करेंगे। और जो हमारा लास्ट वीडियो था जिसमें कि हमने आप सभी को बताया था GW 513 गेहूं के नेगेटिव पॉइंट कि आपको इस गेहूं को क्यों नहीं लगाना चाहिए और अगर आप लगाना चाहते हैं तो इसमें कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए, जिसमें काफ़ी किसानों के कमेंट आए थे कि भाई साहब आप इस वेराइटी के बारे में थोड़ी सी अफवाहें फैला रहे हो। तो कुछ किसानों के कमेंट आए थे कि भाई साहब आपने क्या है कि इसमें सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया। तो कुछ किसानों के कमेंट आए थे कि भाई साहब आपने ये जो वेराइटी इसको थोड़ा सा अर्ली लगा दिया था, इस वजह से या फिर मौसम की वजह से इस बार ये समस्याएँ आई हैं। तो मैंने आप सभी को अगर उस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखोगे सुनोगे तो उसमें मैंने आप सभी को ये बताया था कि भाई साहब अगर आप GW 513 गेहूँ को अक्टूबर में लगाते हो तो उसमें कौन कौन सी समस्याएँ आती है, और जो स्ट्रेस भरा माहौल मौसम है इस बार का, इसमें जो स्ट्रेस भरा माहौल है इसमें ये वेराइटी उतना ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाती है। अगर आप लगाना चाहते हो तो बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन मैंने आप सभी को यही बताया था कि उस वेराइटी में काफ़ी सारी समस्याएं आती हैं, जैसे कि फिजेरियम हेडस्केप। अक्टूबर वाला जो प्लाट है जिसमें कि फिजेरियम हेडस्केप भर भर के पड़ा है, हर एक बाली में आपको फिजेरियम हेडस्केप मिलेगा। इसके साथ में इस वाले प्लाट की बात करें तो ये जैसे कि मैंने आप सभी को पहले बताया कि ये 6 नवंबर का है, और इसके साथ में हमने पहले इसमें बुआई अपना फ्लड से पानी दे दिया था। उसके बाद फिर उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर सूखा, नमी सूखी, उसके बाद फिर हमने मतलब पहले पलेवा लगाया, उसके बाद फिर बुआई करी, जिसके बाद भी ये जो गेहूं है काफ़ी लेट निकला भी उगा भी। तो उसके बावजूद भी अगर आप नवंबर में लगा रहे हो, उसके साथ में हमने आपको हर एक हमारे जो स्प्रे है उसके बारे में अपडेट भी कराया था कि हमारा जो हर एक स्प्रे हो रहा है इसमें एजॉक्सट्रोबिन डल रहा है, उसके साथ में टेबेगोनाजोल डल रहा है, उसके साथ में अपना इंसेक्टिसाइड भी डल रहा है, उसके साथ में हमारा फंगीसाइड भी डल रहा है। सारी चीज़ें हमने आपको अपडेट की थी डे बाय डे। इसके साथ में आप इसकी फ्लैगलिप देखोगे तो ये देखिए इसकी फ्लैगलिप साइज़ बहुत बढ़िया है। तो कुछ किसानों ने ऐसे कमेंट भी करे थे कि भाई साहब आप आइए हमारे प्लाट में विजिट कीजिए, हम आपको 513 गेहूँ बताते हैं, हमारे प्लाट में कोई समस्या नहीं है। तो आप थोड़ा सा प्लाट के अंदर जाइए, उसमें देखिए आपको कहीं ना कहीं फिजेरियम हेडस्केप ज़रूर मिलेगा। अब ये नवंबर की सोइंग है, उसके बावजूद भी इसमें सिर्फ ये समझ लो कि 5-10% है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें फिजेरियम हेडस्केप तो है। तो ये जो वैरायटी है इसमें एक तो येलो रस्ट की प्रॉब्लम तो पहले से ही आती है। नीचे से अगर आप देखोगे तो इसमें आपको ये दिखेगा फिजेरियम अपना येलो रस्ट, कुछ प्रॉब्लम तो आती है। ये देखिए हल्का सा येलो रस्ट तो इसमें हमेशा रहता ही है, उसके साथ में इसमें फिजेरियम हेडस्केप भी आता है। कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल दिखेगा, आपके प्लाट में आप भी देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको फिजेरियम हेडस्केप ज़रूर दिखेगा। और अगर इतने स्ट्रेस भरे माहौल में कोई वैरायटी अच्छा उत्पादन दे रही है, प्रोडक्शन दे रही है, तो वो वैरायटी सही है। अभी क्या हर हमेशा आपका जो मौसम है ये एक जैसा नहीं होता, मौसम तो हमेशा परिवर्तित होता रहता है, बिगड़ता भी है सही भी रहता है। वैरायटी वही सही है जो कि आपका जो विपरीत मौसम रहे उसमें भी आपको सही तरीके से उत्पादन दे। ये देखिए इसमें भी फिजेरियम हेडस्केप है। मैं आपको और वैसे भी हमारा जो मेन काम है वो यही है कि हम आपको नेगेटिव पॉइंट दिखाएं किसी भी वैरायटी के, क्योंकि जो प्लस पॉइंट है अच्छी चीज़ें हैं वो तो सभी दिखा ही रहे हैं, उनको ही दिखाने से क्या मतलब है, उसी चीज़ को रिपीट करने से क्या मतलब है, हम आपको कुछ नया दिखाएं, इसीलिए हम आपको इसके हर एक वैरायटी के नेगेटिव पॉइंट दिखाते हैं। अब देखिए ये जो 513 गेहूँ है इसको हमने सिंगल लगा कर रखा है। अगर आप सिंगल के देखोगे तो इसमें बालियों की संख्या आपको वैसे ही कम दिखेगी। यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँगा, इधर आप देखोगे तो आपको बिल्कुल बालियाँ भर भर के भरी हैं, और इधर देखोगे तो आपको थोड़ा सा गेप दिखेगा ऐसा कि यार ये जो बालियाँ हैं वो काफ़ी कम हैं। तो इधर बालियाँ काफ़ी कम है, ये देखिए वैसे बाली का साइज़ भी बहुत बढ़िया है, फ्लैगलिप भी बहुत बढ़िया है, इधर येलो रस्ट की प्रॉब्लम भी बहुत कम है, फ्लैगलिप का साइज़ अगर आप देखोगे तो एक्सेलेंट है। ये देखिए अभी भी इसमें ये देखिए बालियाँ निकल ही रही हैं, और बाली का साइज़ भी बहुत ज़्यादा एक्सेलेंट है। और इधर जो नवंबर में बोनी है, नवंबर की जो सोइंग है, इसमें हमको अभी तो फिजेरियम हेडस्केप नहीं दिख रहा है, देखते हैं अब आगे क्या कंडीशन रहती है। तो इसके बारे में भी ओवरऑल मेरा आप सभी से यही कहना है कि ये जो वैरायटी है GW 513 इसमें फिजेरियम हेडस्केप अक्टूबर में अगर आप लगाओगे तो उसमें बिल्कुल आएगा, अगर मौसम ख़राब होता है तो। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपका जो मौसम है अगर गड़बड़ होता है, ख़राब होता है, विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, तो ऐसे में ये वैरायटी ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाती। इसके साथ में अगर 30 kg प्रति एकड़ के हिसाब से जो अपन ने सीड रेट डाला है इसमें क्या फ़र्क है, उसके साथ में अपना जो 1 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से सीड रेट डाला हुआ है इसमें क्या फ़र्क है, तो मुझे कोई ज़्यादा विशेष फ़र्क तो इसमें अभी नज़र आया नहीं है।
बाकी क्या है कि एक कुंटल पर एकड़ के हिसाब से जहाँ सीडेट डला है वहाँ आपको बालियों की संख्या ज़्यादा दिखेगी। इसके साथ में जहाँ आपका सीडेट कम है वहाँ की जो बाली का साइज़ है ये थोड़ा सा एक्सीलेंट मिलेगा, आपको थोड़ा सा साइज़ बेहतर मिलेगा और उसके साथ में इसकी जो क्वालिटी है सीड की क्वालिटी ये थोड़ी सी बेहतर मिलेगी। बाकी जब सीड निकलेगा, उत्पादन निकलेगा, उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि इनमें दोनों में कुछ फ़र्क है या फिर नहीं। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर आपका सीडेट 30 kg प्रति एकड़ के हिसाब से रहता है, 15 kg प्रति बीघा के हिसाब से रहता है, और अगर आपका सीडेट 50 kg प्रति बीघा और एक कुंटल पर एकड़ के हिसाब से रहता है तो इसमें कोई फ़र्क रहता है या फिर नहीं, सीड की क्वालिटी बेटर रहती है या फिर नहीं। और अगर इस वैरायटी में दूसरी और कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि किसानों को इस बारे में पता रहे कि ये जो वैरायटियाँ हैं अगर आप लगा रहे हो तो इसमें ये समस्या आती हैं, तो इसके लिए पहले से कुछ ट्रीटमेंट करके रखें।